हाय ब्यूटी, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिगनर्स के लिए मेकअप ट्यूटोरियल। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। मुझे एक प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि दी, मुझे शादी में जाना है, मुझे बिल्कुल मेकअप नहीं आता है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को मेकअप में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए और मेकअप करने का तरीका क्या है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप लोगों को मेकअप सिखाने वाली हूँ और एक ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप लोग हर ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं जितने प्रोडक्ट यूज करूंगी, सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल होने वाले हैं, क्योंकि उन बहन का ये भी कमेंट था कि दी प्रोडक्ट अफोर्डेबल होने चाहिए। तो सारे प्रोडक्ट अंडर 200 होने वाले हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होने वाली है। सारे प्रोडक्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख लेना। तो चलो देखते हैं, जिनको मेकअप नहीं आता है, जिन्होंने कभी मेकअप नहीं किया है, वो मेकअप कैसे करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ब्यूटी, सबसे फर्स्ट स्टेप, आप जब भी मेकअप करने बैठो ना, आपका फेस एकदम क्लीन होना चाहिए। तो आप डेली में जो फेस वॉश यूज करते हो ना, उस फेस वॉश से आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। मेकअप करने से पहले आपको इस स्टेप को करना ही करना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है टोनर। तो टोनर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी डाबर गुलाबरी का ये रोज वाटर, क्योंकि जो रोज वाटर होते हैं ना, वो हर स्किन टाइप को सूट कर जाते हैं। तो रोज वाटर को भी आप एज अ टोनर की तरह यूज कर सकते हो। और अगर आप लोग टीनेज गर्ल हो, तब भी आप लोग रोज वाटर को फेस में अप्लाई कर सकते हो, कोई हार्म नहीं करती है। तो रोज वाटर की 4 से 5 ड्रॉप लेके आपको अपने फेस में अप्लाई करनी है। जब ये ड्राई हो जाए, उसके बाद आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर क्रीम। मॉइस्चराइजर क्रीम के लिए अगर आप ऑयली स्किन के हो तो आप यूज कर सकते हो पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर क्रीम। अगर आप नॉर्मल टू ड्राई स्किन के हो तो आप यूज कर सकते हो पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम। तो इस टाइम में ना बहुत गर्मी पड़ रही है, तो मेरी अभी नॉर्मल स्किन है, तो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम। अफोर्डेबल के अंदर इन मॉइस्चराइजर क्रीमों से अच्छी आपको कोई भी क्रीम नहीं मिलेगी। तो आप लोग इन क्रीम को बेझिझक होकर ट्राई करो, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने जो पॉन्ड्स की लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम थी ना, उसे अपने फेस में डॉट डॉट किया और नेक में भी अप्लाई किया। उसके बाद हल्के हाथों से पूरे फेस में अच्छे से मसाज करूंगी, जिससे कि जो मेरी स्किन है, मेरा फेस है, अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। हमने नेक में जो मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई किया था, उसे भी हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई करने के बाद हमें अप्लाई करना होता है प्राइमर। प्राइमर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। प्राइमर क्या करता है, आपकी जो पोर्ज है, ओपन पोर्ज है, रोम छिद्र है, उन्हें मिनिमाइज कर देता है, उन्हें क्लोज कर देता है और आपके मेकअप को लंबे समय तक आपके फेस में टिका के रखता है। प्राइमर के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट फेस प्राइमर। जो प्राइमर है ना, बहुत अच्छा प्राइमर है सच में। आपकी जो पोर्ज ना, अच्छे से मिनिमाइज कर देता है और आपके मेकअप को बहुत लंबे समय तक आपके फेस में टिका के रखता है। और वैसे तो इसका प्राइस है 299 रुपीज, लेकिन इसमें हमेशा डिस्काउंट चलता रहता है, तो ये आपको 179 रुपीज का या फिर 200 रुपीज का मिल जाएगा। तो प्राइमर हमेशा आपको एकदम थोड़ा सा लेना होता है, मटर के दाने जितना। उसके बाद इसको आप अपने चीक्स में डॉट डॉट करो इस तरीके से, चिन में, नोज, फॉरहेड में, जहाँ जहाँ पे लग रहा है कि आपके पोर्ज है, वहाँ वहाँ पे इसको डॉट डॉट करो। उसके बाद हल्के हाथों से पूरे फेस में प्राइमर को फैला दो, मतलब मसाज कर दो, जिससे कि जो आपकी स्किन है, आपके जो पोर्ज है, अच्छे से मिनिमाइज हो जाए और आपका मेकअप लंबे समय तक आपके फेस में टिका रहे। आप जैसे प्राइमर अप्लाई करोगे ना अपने फेस में, आप देखोगे आपकी जो स्किन है ना, एकदम स्मूथ हो चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। प्राइमर अप्लाई करने के बाद आपको 2 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है अपनी स्किन को, जिससे कि आपने जो जो भी प्रोडक्ट अपने फेस में अप्लाई किए हैं, वो सारा कुछ आपके फेस में अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आपको लेना है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी NYV का लिक्विड फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ना, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, आपको मीडियम टू फुल कवरेज प्रोवाइड करता है और अफोर्डेबल के अंदर मुझे ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ना इजिली ब्लेंड होता है, मीडियम टू फुल कवरेज को प्रोवाइड करता है। और क्या चाहिए, जो फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड होते हैं ना, मैं मुझे वही फाउंडेशन पसंद है और मैं आप लोगों को वही फाउंडेशन सजेस्ट करूंगी। और जो फाउंडेशन जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, ब्लेंड होना नहीं चाहते हैं, वो फाउंडेशन मैं आपको एकदम सजेस्ट नहीं करूंगी। तो आप लोग ये वाला फाउंडेशन ले लेना बेझिझक होकर, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका जो फाउंडेशन है, आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से ले लेना है। सो अगर आप लोग मेरे स्किन टोन के हो तो आप लोग ये वाला शेड ले सकते हो। इसमें मेरा शेड है 8 White Poppy। तो फाउंडेशन को कभी भी डायरेक्टली आपको अपने फेस में अप्लाई नहीं करना है, सबसे पहले आपको फिंगर से इस तरीके से डॉट डॉट कर लेना है अपने फेस में फाउंडेशन को। डॉट डॉट करने से क्या होता है, आपका जो फाउंडेशन है ना, आपके पूरे फेस में एक समान अप्लाई होता है और कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं होता है। तो फाउंडेशन को सबसे पहले आपको इस तरीके से डॉट डॉट कर लेना है अपने पूरे फेस में, और नेक में भी आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है, नेक एरिया नहीं भूलना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका फेस और नेक अलग दिखेगा।
फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए आप इस तरीके का एक ब्रश परचेस कर सकते हो, नहीं तो आप ले सकते हो एक ब्यूटी ब्लेंडर। तो मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ही फाउंडेशन को ब्लेंड करना पसंद है। मैंने यहाँ पे जो ब्यूटी ब्लेंडर लिया हुआ है, इनसाइड का ये ब्यूटी ब्लेंडर है और मैं आप लोगों को ये ब्यूटी ब्लेंडर हाईली रिकमेंड करूँगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको एक अच्छी क्वालिटी का ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, तभी आपका जो फाउंडेशन है ना अच्छे से ब्लेंड होगा और आपका मेकअप बेस की फिनिशिंग अच्छी आएगी। जो 40-50 रुपये वाले ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं ना, वो आपको एकदम नहीं लेने हैं, ठीक है। अगर आप 40-50 रुपये वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज करोगे ना, तो आपका मेकअप बेस कभी अच्छा नहीं होगा, आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो। उसके बाद आपको एक कटोरी में पानी लेना है और अपने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से भिगोना है। आप लोग देख सकते हो एकदम अच्छे से उसमें पूरा पानी भर जाए ना, तब तक आपको कुछ इस तरीके से करना है, दबाना है पानी में डालना है, दबाना है पानी में डालना है। 4-5 बार ऐसे करोगे ना, तो आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना अच्छे से पानी सोख कर लेगा। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है और आपको फिर क्या करना है, एक कॉटन का कपड़ा लेना है, मेरे पास अभी यही था, तो उसमें आपको अपने ब्यूटी ब्लेंडर को रखना है और अच्छे से उसको दबा देना है, जिससे कि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है आपका कपड़ा सोख कर ले। अब हमारा ब्यूटी ब्लेंडर रेडी है फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। अब हम अपने फाउंडेशन को इससे ब्लेंड करेंगे। तो आप जब भी फाउंडेशन को ब्लेंड करो, इस बात का ध्यान रखना है, आपको टैप टैप करते हुए ब्लेंड करना है, मतलब थपथपाते हुए ब्लेंड करना है, घिसना नहीं है। आप लोग देख सकते हो हमारा जो फाउंडेशन है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगा, क्योंकि ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही अच्छा है सच में। तो आप लोग देख लेना, इस ब्यूटी ब्लेंडर को ले लेना, आप लोग का मन खुश हो जाएगा सच में, क्योंकि जो ब्यूटी ब्लेंडर है एकदम हाई ब्रांड की ब्यूटी ब्लेंडर को टक्कर देता है। तो टैप टैप करते हुए हम अपने पूरे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैं फिर से बोलूँगी, आपके मेकअप बेस में एक बहुत बड़ा रोल होता है ब्यूटी ब्लेंडर का। हमारा पूरा फाउंडेशन अच्छे से जब ब्लेंड हो जाए, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कंसीलर का। तो आप लोग देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल वगैरह दिख रहे हैं, इन्हें छुपाने के लिए हम यूज करते हैं कंसीलर का। तो कंसीलर के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को स्विस ब्यूटी का एक कंसीलर, और इसमें मेरा शेड है 03। इस कंसीलर को आप बेझिझक होकर ले लेना, क्योंकि इतने कम प्राइस में इससे अच्छा कंसीलर और कोई हो ही नहीं सकता है। तो कंसीलर को आपको अप्लाई करना होता है अपनी अंडर आई में, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, अपनी आईलिड में। आईलिड में जो डार्कनेस होती है उसे कैंसिल आउट करने के लिए हम कंसीलर का यूज करते हैं। अगर आपके फेस में कहीं दाग धब्बे हैं तो आप उन्हें छुपाने के लिए भी कंसीलर का यूज कर सकते हो। तो मैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपको भी कंसीलर को इसी तरीके से अप्लाई करना है। नोज में भी अप्लाई कर लेना है, नोज को हाईलाइट दिखाने के लिए हल्का हल्का माउथ के अराउंड अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे माउथ के आसपास ना हल्की सी पिगमेंटेशन होती है, और अगर आपके फेस में कहीं दाग धब्बे हैं तो आप उन्हें छुपाने के लिए भी कंसीलर का यूज कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ पे आपको दिख रही है कि आपके फेस में प्रॉब्लम है, वहाँ वहाँ पे आप कंसीलर को अप्लाई करें। उसके बाद फिर से हम वही ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और कंसीलर को ब्लेंड करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपने जहाँ जहाँ पे कंसीलर को अप्लाई किया है वहीं वहीं पे आपको ब्लेंड करना है, ठीक है। पूरे फेस में कंसीलर को नहीं फैलाना है, तभी आपका फेस हाईलाइट दिखेगा। कंसीलर को अप्लाई करते ही आप लोग देख सकते हो हमारा जो फेस है कितना हाईलाइट दिख रहा है। उसके बाद आपको लेना है कॉम्पैक्ट, मैं यहाँ पे लैक्मे का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, जो कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, 160 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो इसमें जो पफ मिलता है ना, उसी से मैं अपने मेकअप बेस को सेट कर रही हूँ। सबसे पहले आपको अपनी अंडर आई में सेट करना है, तो पफ में डायरेक्टली लेके आपको अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका मेकअप क्या की पेची देख सकता है। आपको करना क्या है, उसमें लेना है सबसे पहले अपने हैंड्स में एक्स्ट्रा को डस्ट आउट कर देना है, उसके बाद उसको हल्के हाथों से अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लेना है। मेकअप बेस सेट हो चुका है, अब हम अपनी आईब्रो को फिल करेंगे। तो आईब्रो को फिल करने के लिए मैं आपको बोलूँगी आप ले लेना ए मास्क की आईब्रो पेंसिल, जो आपको 50 रुपीज़ की मिल जाएगी। अगर आपको ये आईब्रो पेंसिल ना मिले तो आप स्विस ब्यूटी की भी आईब्रो पेंसिल ले सकते हो, वो भी आपको 50 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। तो आईब्रो को फिल करते समय आपको ध्यान रखना है, आपकी जो नेचुरल आईब्रो है उसी को फॉलो करते हुए अपनी आईब्रो को फिल करना है, और मिडिल से स्टार्ट करिएगा, मिडिल से पहले लास्ट तक ले जाइएगा, उसके बाद मतलब फर्स्ट से स्टार्ट करिएगा, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और हाँ, आप जब भी आईब्रो पेंसिल को परचेस करो, आप देख लेना ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल होना चाहिए, ब्लैक से कभी आप अपनी आईब्रो को मत फिल किया करो, वो फेक लगती है। लेकिन अगर आपकी आईब्रो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है तभी आप लोग ब्लैक से फिल करो, नहीं तो आप हमेशा ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल परचेस करो। उसके बाद उसमें जो ब्रश दिया था उससे मैं अपनी आईब्रो को ब्रश कर ले रही हूँ, जिससे कि अगर उसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग गया होगा तो वो क्लीन हो जाएगा। हम करेंगे आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए अगर आप इस तरीके की आई मेकअप ब्रशेस ले सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ज़रूर परचेस करो, नहीं तो आप क्यूट्यूब ले सकते हो। लेकिन आज का जो आई मेकअप है मैं आपको फिंगर से करके दिखाने वाली हूँ, जिससे कि आप बहुत आसानी से कर सको।
आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। ये जो आई शेडो पैलेट है ना बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छे हैं और आपको ये 120 या फिर 150 रुपीज़ के मिल जाएंगे। तो इस आई शेडो पैलेट में से सबसे पहले जो ब्राउन कलर है ना इसे मैं पिक करूँगी फिंगर में। तो मैं जूम कर दे रही हूँ जिससे कि आपको आई मेकअप अच्छे से समझ में आ जाए। फिंगर में लेके इसे हम अपनी क्रीज लाइन में अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप लोग देख सकते हो आप अपने फिंगर से ना बहुत अच्छे से आई मेकअप कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है। जब तक आप ब्लेंड करना है आपको, जब तक कि आपने जो कलर अप्लाई किया है ना एकदम ब्लेंडेबल ना दिखे, तो एकदम अच्छे से ब्लेंड करिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम देके एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी आईज में भी ब्राउन कलर को ब्लेंड कर दे रही हूँ। आपको अपनी क्रीज लाइन से ऊपर तक नहीं जाना है। मैं आपको बता दे रही हूँ ये होती है हमारी क्रीज लाइन, इससे ऊपर हमें नहीं जाना है। तो हम अच्छे से इस ब्राउन कलर को ब्लेंड कर लेंगे। इतना होने के बाद उसी पैलेट में से मैं एक गोल्डन सिमरी शेड है इसे पिक करूंगी फिंगर में और इसे मैं अपनी लिड में अप्लाई करूंगी, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आप जो भी कलर अपनी क्रीज लाइन में ब्लेंड करो वो मैट होने चाहिए और जो भी आप अपनी लिड में अप्लाई करो वो सिमरी होना चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो फिंगर में मैं एक गोल्डन सिमरी शेड को ले रही हूँ और कुछ इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको बस हाफ लिड तक ही अप्लाई करना है, आउटर कॉर्नर की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ तक ही अप्लाई करना है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ फिंगर रख के, बस यहीं तक आपको सिमरी शेड अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे गोल्डन सिमरी शेड यूज किया है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हो, सिमरी होना चाहिए। आप चाहो तो लाइट पिंक ले सकते हो, सिल्वर कलर भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने एक गोल्डन कलर इसलिए अप्लाई किया हुआ है क्योंकि ये जो आई मेकअप है ना हर ड्रेस के साथ जाएगा, क्योंकि सारे ड्रेसेस में गोल्डन कलर कहीं ना कहीं होता है। हमारा आई मेकअप अभी से कितना खूबसूरत दिख रहा है। उसके बाद हम उसी आई शेडो पैलेट को फिर से ले रहे हैं और जो ब्राउन कलर था ना उसे मैंने छोटी वाली फिंगर में पिक किया हुआ है और इसे हम अपने लोअर लैश लाइन में स्मच कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको अपने लोअर लैश लाइन में कलर को ज़रूर स्मच करना है, इससे ना बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी लोअर लैश लाइन में कलर को स्मच कर देंगे। अब हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। तो आईलाइनर के लिए मुझे इससे अच्छा कोई आईलाइनर नहीं लगा, ये है एनवाईवी का आईलाइनर। इसका जो ब्रश है ना इतना पतला है, आप इससे अपने पसंद के अकॉर्डिंग जैसा चाहो वैसा आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो। बहुत अच्छा आईलाइनर है सच में, 100 रुपीज़ का आपको मिल जाता है। एकदम जेट ब्लैक आईलाइनर है और मतलब स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और एकदम मैट जेट ब्लैक है। मुझे ना जो ब्लैक आईलाइनर होते हैं वो ग्लॉसी इतने पसंद नहीं है जितने कि मुझे मैट आईलाइनर पसंद है और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। आप जैसे ही अप्लाई करोगे कुछ सेकंड के अंदर ये ड्राई हो जाता है, बहुत लंबे समय तक आपकी आंखों में टिका रहता है। तो मैंने एक बिंग बनाया हुआ है और नॉर्मल सा आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। और मैं बोलूँगी अगर आप बिगनर्स हो, अपना आई मेकअप उतना हैवी नहीं कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा मोटा आईलाइनर अप्लाई करो तो ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। ज़्यादा मोटा नहीं, थोड़ा सा मोटा। अब अप्लाई करेंगे हम काजल। तो काजल के लिए मैं बोलूँगी आप लोग कि एल्डिन का एड्रामा बोल्ड काजल ले लेना है, क्योंकि इससे अच्छा काजल हो ही नहीं सकता है अफोर्डेबल के अंदर। वैसे तो बहुत सारे काजल हैं लेकिन अफोर्डेबल के अंदर इससे अच्छा काजल और कोई नहीं हो सकता है। ये ना स्मूथली अप्लाई होता है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और ये मेरा फेवरेट काजल है सच में। अब बारी आती है मस्कारा की। तो मस्कारा के लिए मैं बोलूँगी आप लोग ये मार्स का मस्कारा ले लेना, बहुत ही अच्छा मस्कारा है। इसको अगर आप अपने लेसेस में अप्लाई करते हो ना तो आपको कोई भी फेक लेसेस अप्लाई करने की नीड नहीं होगी। आप इसकी 2 कोट अप्लाई कर लो, बस आपकी जो लेसेस है ना बहुत ही अच्छा लुक देंगी आपको। तो इस मस्कारा को मैं अपनी अपर लेस और लोअर लेस में अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ और ये जो मस्कारा है आपको 200 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ए एन बाई वी का ब्लश, इसे आप ले लेना, बहुत ही अच्छा है। 150 का मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा 200 का अगर लेना चाहते हो तो आप स्विस ब्यूटी का ब्लश ट्राई कर लेना, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इसे अप्लाई करने के लिए अगर आप लेना चाहते हो इस तरीके का ब्लश ब्रश तो आप लोग ज़रूर ले लेना, 200-300 रुपये का आता है। अगर नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं, आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लश को अप्लाई कर सकते हो। आपको करना क्या है, ब्यूटी ब्लेंडर में ब्लश लेना है, एक्स्ट्रा को अपने हैंड्स में पहले लगाना है, उसके बाद आपको चिक्स में अप्लाई करना है, स्टार्ट करना है। डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर में लेके मत अप्लाई करिएगा, नहीं तो फिर आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा, आपके चिक्स ज़्यादा ही रेड हो जाएंगे। अप्लाई करते हुए, चिक्स में अप्लाई करते हुए आपको ऊपर की साइड ले जाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने दोनों साइड ब्लश को अप्लाई कर लूँगी। उसको हम अप्लाई करेंगे हाईलाइटर। तो हाईलाइटर के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ एन बाई वी का ये हाईलाइटर, जो कि आपको 150 रुपीज़ का मिल जाएगा। हाईलाइटर को अप्लाई करने के लिए अगर आप इस तरीके का फैन ब्रश ले सकते हो तो ज़रूर एक फैन ब्रश ले लेना।
अगर नहीं ले सकते हो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी अपने हाइलाइटर को अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको फिंगर से ही दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हो तो आप इतने जल्दी सारा कुछ परचेस नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे परचेस करना। तो मैं फिंगर से आपको हाइलाइटर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। तो हाइलाइटर हमें अपने फेस के हाइस्ट पॉइंट में अप्लाई करना होता है, जैसे कि चीक बोन। तो हम सबसे पहले हम अपने चीक बोन में हाइलाइटर को अप्लाई करेंगे, उसके बाद ब्रिज अपनी नोज, पूरी नोज को हाइलाइट नहीं करना है, नोज की जो टिप है और ऊपर की साइड, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, यहाँ यहाँ पे अप्लाई करना है। क्यूटब बो, चिन, फॉरहेड, इन सबको हाईलाइट करना होता है। ब्राउ बोन को हाईलाइट करना होता है, तो ब्राउ बोन को, पूरी ब्राउ बोन को हाईलाइट नहीं करना होता है, ठीक है। मिडिल से लेके लास्ट तक, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको हाईलाइटर अप्लाई करना होता है। उसके बाद लास्ट में आपको अपनी इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करना होता है। तो उसके लिए मैंने जो गोल्डन सिमरी सीड अप्लाई किया था ना, उसी से मैंने अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया हुआ है। अब लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मैंने एक ब्राउन कलर की लिप लाइनर ली हुई है, जो कि स्विस ब्यूटी की है, उससे मैंने अपने लिप्स को लाइन किया हुआ है। और उसके बाद हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। अगर हम लिप्स को लाइन करने के बाद लिपस्टिक अप्लाई करते हैं ना, तो लिप्स का बहुत ही अच्छा लुक आता है, इसलिए आप अपनी मेकअप किट में एक लिप लाइनर जरूर ले लेना है ब्राउन कलर की। तो मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन की लिपस्टिक अप्लाई की हुई है, जो कि क्रीमी लिपस्टिक है। अगर आप चाहते हो कि गर्मियाँ हैं, हमें क्रीमी लिपस्टिक अप्लाई नहीं करनी है, तो आप इस स्विस ब्यूटी की या फिर इनसाइड की या फिर ब्लू हेवन की लिपस्टिक ले सकते हो। और ये तीनों लिपस्टिक बहुत अफोर्डेबल है एंड इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप इनमें से कोई भी लिपस्टिक परचेस कर सकते हो। लास्ट में हम अपने मेकअप को फिक्स करेंगे, तो मेकअप को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे अगेन ही NYB का मेकअप फिक्सर दिखा रही हूँ, जो कि अफोर्डेबल है, 150 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो करना क्या है आपको, अपने फेस से एक हाथ दूर ले जाके मेकअप फिक्सर को घुमाते हुए स्प्रे कर देना है अपने पूरे फेस में। उसके बाद आपको करना क्या है, आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है, जिस साइड से आपने ब्लश अप्लाई किया था उस साइड से नहीं, दूसरी साइड से आपको पूरे फेस में इस तरीके से टैप टैप कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो मेकअप फिक्सर है ना, आपके मेकअप के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आपका जो मेकअप है ना, लंबे समय तक आपके फेस में टिका रहेगा। तो देख लो फाइनल लुक। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों की हेल्प रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, खूब सारा शेयर करिएगा।